न्यूटन मीटर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, ओके सबकी यूनिट निकाल लो, टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क को हम लिखते हैं TORQUE, टॉर्क। आर क्रॉस एफ, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एंगुलर मोमेंटम एल आई ओमेगा या फिर एम वी आर, इसकी यूनिट जो होती है हमारे पास वो होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। ओ, हमें न्यूटन के टर्म्स में आंसर चाहिए। ओके ओ ठीक है, देखो केजी मीटर पर सेकेंड और ये हो गया मीटर, तो हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड, इसको मैं लिख सकती हूँ अगर मैं ऊपर नीचे सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो न्यूटन केजी, ऊपर नीचे एक काम करो सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या हो गया न्यूटन, और उसके बाद ये हो गया हमारे पास मीटर और ये हो गया हमारे पास सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। प्रेशर इस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिटी, बेटा ये तो एक वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास कैंडला, सी डी, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, तो हमारा सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से,